योगी आदित्यनाथ का मंदिर। जी हाँ, क्या आपको पता है कि एक शख्स ने योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया है और वहाँ पर रोज उनकी वो पूजा भी करता है, उनकी आरती करता है, उनके लिए गाने गाता है। और तो और, इस शख्स ने स्पेशली योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही भजन रिकॉर्ड करवाया है और रोज इस मंदिर में लगाता है। और इस शख्स ने उड़ते प्लेन में प्लेन का शीशा तोड़ने की कोशिश क्यों की, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ उस प्लेन? और इस दबंग आदमी ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर बंदूक क्यों तान दी? उन बिजली विभाग के कर्मचारियों को बंदूक से मारने की कोशिश क्यों की? इस सारी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर। जी हाँ, इस शख्स ने योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर बनाया है और ये यहाँ पर इनकी पूजा भी करते हैं। और तो और, इन्होंने इनके लिए स्पेशली इनके लिए भजन भी बनवाया है इनके नाम पर, और इनके नाम पर काफी गाने भी बनाए हैं। ये जगह यूपी के अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। वहाँ पर इस शख्स ने सीएम योगी का मंदिर बनाया और पूरे अयोध्या जिले में ऐसा कोई भी दूसरा मंदिर किसी ने भी नहीं बनवाया है योगी आदित्यनाथ का। इन्होंने योगी आदित्यनाथ का मंदिर इसलिए बनाया, इन्होंने प्रण लिया था कि जो भी यूपी अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करवाएगा उसका मंदिर मैं बनाऊंगा। तो सीएम योगी ने यूपी के अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, तो इन्होंने सीएम योगी का उनका ही मंदिर बना दिया और रोज यहाँ पर इनकी पूजा करते हैं, इनकी आरती करते हैं। और इस मंदिर को बनाने के लिए इन्होंने किसी से भी आर्थिक मदद नहीं, बल्कि अपनी यूट्यूब की खुद की कमाई से ही इस मंदिर का निर्माण कराया। इनका प्रण पूरा हुआ और इन्होंने योगी आदित्यनाथ का मंदिर बना दिया और यहाँ पर रोज इनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और इन्होंने स्पेशली इनके लिए भजन भी बनाए हैं जो यहाँ पर रोज लगाते हैं। और अब बात करते हैं उस आदमी की जिसने उड़ते प्लेन में प्लेन का शीशा तोड़ने की कोशिश की। ये एक पाकिस्तानी प्लेन है और सभी यात्री चुपचाप बैठे थे, लेकिन इस आदमी को पता नहीं क्या हो रहा, अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। कभी प्लेन पर नीचे लेट जाता और जब इसको उठाया तो देखा कि उसने अपना सारा सामान खोल कर रखा साइड, और प्लेन मेंबर्स ने उसकी वीडियो भी बनाई और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। और जब इसे रोका तो वो गुस्सा करने लगा, उसने अपनी शर्ट निकाल दी, कपड़े उतार दिए और गुस्से में प्लेन का शीशा तोड़ने लगा, जिसे देखकर सभी यात्री वहां पर डर गए और प्लेन मेंबर्स ने उसको रोका भी, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। अब इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों कर रहा था, ऐसा कुछ पता नहीं लग पाया, क्योंकि ना इसने शराब पी थी और क्या पता उसे कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन वहां पर वो साफ पता नहीं लग पाया कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। और अब बात करते हैं उस दबंग बिजनेसमैन की जिसने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर ही बंदूक तान दी। दरअसल गलती इसकी ही थी, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं। इस आदमी ने कई महीनों का अपना बिजली का बिल नहीं भरा था। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने काफी इसको कहा बिल भरने के लिए, लेकिन ये नहीं भरता था, बहाने बनाता था। लेकिन बाद में जब इसकी लाइन काटने चले गए, जब इसको बताया कि हम आज से बिजली की लाइन काट रहे हैं, पहले तो इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब लाइनमैन पोल पर चढ़ा तो इससे रहा नहीं गया, अंदर जाके बंदूक बाहर ले आया और उन पर तान दी और लाइनमैन को निशाना बनाने लगा। लेकिन वहां खड़े जेई ने उसको बचाने के लिए उसके पास गए, उनसे बात की, लेकिन उनके साथ भी धक्का मुक्की करने लगे। लेकिन जेई ने लाइनमैन को तो बचा लिया, लेकिन उनके साथ भी बदतमीजी काफी हुई। लेकिन अंत में इनकी बिजली लाइन काट ही दी और इनको हिरासत में भी लिया और इनका गन लाइसेंस भी कैंसिल करने के बाद डीएम ने कही। तो गाइस, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आपसे ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के साथ एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।